टायर का रंग काला क्यों होता है? साबुन के झाग का रंग हमेशा सफ़ेद ही क्यों होता है? दोस्तों, अगर आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, टायर का इतिहास बहुत पुराना है। पहले भी टायर बनाए जाते थे, लेकिन तब रबड़ नहीं थी। लेकिन जब रबड़ की खोज हुई तो रबड़ के टायर बनाए जाने लगे। कोई भी वाहन हो, चाहे साइकिल, बस, कार, ट्रक, कोई भी हो, सबके टायर ब्लैक कलर के होते हैं, सबके टायर काले रंग के होते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसके काले रंग के ही टायर क्यों बनाए जाते हैं, रंग बिरंगे क्यों नहीं होते? ऐसा दोस्तों उसको मजबूती देने के लिए होता है। वैसे रबड़ का रंग हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन अगर हम उससे टायर बनाएंगे तो वो कमज़ोर रहेंगे और जल्दी घिस जाएंगे। लेकिन उसको मजबूती देने के लिए उसमें कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है, जिससे वो मजबूत हो जाते हैं और ज़्यादा तक नहीं घिसते। उसी वजह से टायर का रंग काला हो जाता है। तो यही है टायर के काले होने की वजह। दोस्तों, अगर हमें दूर का सफ़र करना हो या एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाना हो तो हम रेलवे का चुनाव ही करते हैं। रेल में ही सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ट्रेन के सफ़र में मज़ा आता है और दूसरा वो सेफ़ भी होती है। तो दोस्तों, लेकिन आपने ट्रेन में सफ़र करते वक्त या अगर आपने जाते हुए ट्रेन को देखा हो तो आपने ध्यान दिया है कि ट्रेन के लास्ट डब्बे पर एक्स का या क्रॉस का निशान लगा होता है। ऐसा क्यों होता है कि उस पर एक्स का निशान लगा होता है? दोस्तों, तो रेलवे कर्मचारियों के लिए ये एक्स का निशान बनाया जाता है ताकि वो समझ जाएं कि ये लास्ट डब्बा है। तो भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन के डिब्बों पर बनाए गए सभी निशान और संकेत रेलवे कर्मचारियों के लिए होते हैं। एक्स का निशान इसलिए ही है ताकि कर्मचारियों को ये पता चल सके कि ये पूरी ट्रेन सही सलामत दूसरे स्टेशन तक जा चुकी है। और आखिरी डिब्बे पर अगर एक्स का निशान नहीं है तो वो समझ जाते हैं कि कोई हादसा हुआ है या फिर कोई गड़बड़ हुई है, इसलिए डब्बे पर एक्स का निशान नहीं है। तो दोस्तों, यही वजह है कि ट्रेन के लास्ट डब्बे पर एक्स का या क्रॉस का निशान लगाया जाता है। दोस्तों, हम अपने डेली यूज़ में साबुन का प्रयोग करते हैं, चाहे नहाने में हो, चाहे हाथ धोने में हो, चाहे कपड़े धोने में हो या बर्तन साफ़ करने में, सभी में साबुन का यूज़ हम लोग करते हैं। साबुन के रंग भी अलग अलग होते हैं, कोई काले रंग का होता है, कोई नीले रंग का होता है, कोई गुलाबी रंग का होता है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, हम साबुन तो किसी भी रंग का यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें से सब में से निकलने वाला झाग सफ़ेद रंग का ही होता है। अगर हमारा साबुन लाल रंग है तो लाल रंग का ही झाग निकलना चाहिए, अगर पीला है तो पीले रंग का ही निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब में से ही झाग का रंग सफ़ेद होता है। तो इसके बारे में कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इसका रंग ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हम सब ने साइंस की किताब में पढ़ा है कि किसी भी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है। अगर कोई चीज़ प्रकाश की सभी किरणों को अवशोषित कर लेती है तो वह काली दिखाई देती है, लेकिन अगर कोई वस्तु प्रकाश की सभी किरणों को परावर्तित कर देती है तो वह सिर्फ सफ़ेद दिखाई देती है। लेकिन अगर कोई वस्तु सिर्फ एक कलर को परावर्तित करती है तो वो उसी कलर की दिखाई देती है। तो यही जो हमारा नियम है साबुन के साथ भी है। साबुन का रंग कोई भी हो, साबुन के झाग से बनने वाले छोटे छोटे बुलबुले सतरंगी पारदर्शी फिल्म से बने होते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। जब इन पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो सभी रंग परावर्तित हो जाते हैं, और यही वजह है कि साबुन किसी भी रंग का हो, झाग हमेशा सफ़ेद ही होता है। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि वे साबुन के झाग का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है। दोस्तों, हम सब ने कॉकरोच तो देखे हैं, और हमारे घरों में कहीं ना कहीं बाथरूम में हो चाहे किचन में हो, कॉकरोच दिखाई दे जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कॉकरोच का अगर सिर काट दिया जाए तो वो एक हफ्ते तक या उससे भी ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है? हो गए ना हैरान दोस्तों? हाँ जी, बिल्कुल सही। कॉकरोच का अगर सिर काट दिया जाए या उसका किसी भी कारण से कट जाए तो वह एक हफ्ते तक या उससे ज़्यादा दिन तक भी जिंदा रह सकता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इसकी वजह है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम का खुला रहना। तो दोस्तों, उसका
का सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा खुला रहता है, इसलिए ये अपने शरीर के हर पार्ट में इससे छोटे छोटे होल से सांस ले सकता है। कॉकरोच सांस लेने के लिए मुंह या सिर पर निर्भर नहीं होता, इसलिए सिर कटने के बाद भी एक सप्ताह तक जिंदा रह सकता है। इसके मरने का कारण पानी ना पीना होता है, क्योंकि बिना सिर के यह पानी नहीं पी सकता और प्यास के कारण इसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे आज के हैरान करने वाले फैक्ट्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।